बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस का चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें बेसिक्स में सिर्फ बताऊंगा और बाकी एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, क्योंकि थ्योरीज की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एमसीक्यूज में ही हल हो जाते हैं। अच्छा, तो पहले मैट्रिसेस, इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि रेक्टेंगुलर ऑफ ब्रैकेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एंटिटीज, कुछ नंबर्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, सही है। अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिक पहला कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन वगैरह तो बहुत सिंपल है, वो तो जो करिस्पॉन्डिंग टर्म्स है उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है, वो मैं एक करा देता हूँ, आसानी से हो जाएगा, सही है। सपोज 1, 2, 3 और 4, सही है, ये एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स होगा, और ये दूसरा इसके साथ है 2, 3, 4, 5, बस सिर्फ इतना, सही है। जैसे 1 को 2 के साथ ऐड करें, 2 को 3 के साथ ऐड करें, 3 को 4 के साथ और 4 को 5 के साथ, सही आ जाएगा। इसका जो एडेड मैट्रिक्स होगा वो होगा 3, 2 + 3 5 आता है, और 3 + 4 7 आता है, और 4 + 5 9 आते हैं, सही है। तो ये इसका मैट्रिक्स सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन अगर आप लोग करना चाहते हैं, सही है। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होते हैं, पहले तो इसका ऑर्डर समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ए बी सी डी, सही है। ये अब इसको समझते हैं, इसमें ये पहला रो होता है, ये दूसरा रो होता है, सही है, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल जो होता है ये कॉलम होता है, सही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम होता है, रो क्रॉस कॉलम, सही है। तो इसके कितने रो है, 2, 2 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, 2, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 का भी कर सकते हैं, सही है, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8 कर ले, ये 1, 2, 3 कर ले, सही है, 1, 2, 3। इसमें कितने रो है, 1, 2, और ये 3 कितने कॉलम है, 1, 2, 3, सही है। सो 3 क्रॉस 3, सही है, 3 क्रॉस 3 आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, 1, 2, 2 रो है, इसमें कॉलम 3 है, सही है। ये तो नॉर्मल बेसिक चीजें जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई, सही है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक 2 क्रॉस 2 का कर लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का बहुत रेयरली आपको आएगा, अगर वो आए भी तो वो मुश्किल वाले में होगा, सही है, 3 क्रॉस 3 का नहीं आता इतना। सो 1, 2 क्रॉस 2 का कर लेते हैं, सही है। सो एक सिंपल वाला कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1, 3, 5 और 6, सही है। अच्छा, पहले मल्टीप्लीकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, सही है, और इसका ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लाइड है, ये एम मल्टीप्लीकेशन के लिए, सही, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, हमेशा नहीं होते, ये तब होते हैं जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट रो नहीं, सही है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड के। ये आर क्रॉस सी होता है ना, ये भी आर क्रॉस सी है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड वन, सही है, ये मल्टीप्लीकेशन तब होगी, अगर ये सेम ना हो पर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। और इससे जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, आर क्रॉस सी, पहला मल्टीप्लाई मतलब पहला क्रॉस लास्ट, इस तरह मैं मिसाल देता हूँ, एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 क्रॉस 2 के ऑर्डर में, सही है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर, सही है, 1 क्रॉस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 तो सेम है ना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, सही है, वो तो हो सकता है, ये तो मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, इससे जो आंसर आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर ये फर्स्ट और लास्ट होगा, 1 क्रॉस 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रख ले, इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 + 3, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट, सही है। अच्छा, अब आप लोगों को ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, 2 क्रॉस 4, सही है, 2 क्रॉस 4, और दूसरा गिवन है 3, 4, सही है, 3, 4, सही, 3, 4। अब पूछे कि क्या ए बी प्रोडक्ट मालूम करें, मतलब ये एक मैट्रिक्स है ए और ये दूसरा मैट्रिक्स है बी, सही है, ए बी मालूम कर ले, तो क्या ये हो भी सकता है, यानी ये ना हो कि बंदा डायरेक्टली शुरू हो जाए इसको सॉल्यूशन में, ये हो भी सकता है, यानी पहले वो देख ले। अच्छा, तो इसके कितने ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, सही है, इसका क्या ऑर्डर है, मल्टीप्लाई, इसका क्या ऑर्डर है, 1 क्रॉस 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, ये दो इक्वल नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस आंसर 1 क्रॉस 2 आएगा, नो इट इज रॉन्ग, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता बिल्कुल, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेबल, या अगर ऑप्शन में आपके पास होगा तो वो होगा कि ऑप्शन कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, तो आप लोगों ने वो टिक करना है, सही है। अब एक दूसरा कंसेप्ट है इन जनरल, इन जनरल, सही है ना, इन जनरल मतलब जनरल, अगर आप मैथ्स में देख लेना जनरल का वर्ड, इट मीन 99% केसेस, सही है, उसमें अगर आप कोई बोले कि ए बी, 2 मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई कर ले, क्या ये बराबर होगी बी ए के, दीज आर 99% नॉट एप्लीकेबल, मतलब 99% केसेस में ये मल्टीप्लाइड नहीं हो सकते, ये सॉरी इक्वल नहीं होगी, अगर आप 2 मैट्रिक्स कर ले पहले उनको ए बी की तरह मल्टीप्लाई कर ले, ए पहले लिख ले बी बाद में, वो बराबर नहीं होगी अगर आप बी ए मल्टीप्लाई कर ले, जरूरी नहीं है वो, इसलिए फर्क क्या आ जाते हैं,
यही ऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि जब आप ये टू क्रॉस थ्री पहले लिख लें, टू क्रॉस थ्री पहले लिखे फिर चेंज हो जाते हैं, और अगर आप वन क्रॉस टू पहले लिख लें फिर चेंज हो जाता है, ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा मल्टीप्लीकेबल हो, सही है। अच्छा, बाकी इन जनरल मल्टीप्लीकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। 1, 2, 3, आई थिंक आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन तो किया भी होगा, वैसे ये इतना मुश्किल है नहीं इसमें, बस सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट है कि मल्टीप्लाई कब होते हैं और कब नहीं होते। 1, 2, 3 और 4, सही है, और इसके साथ दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, 3, 1, 2, सही है। पहला रो ले ले, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर पहला रो ले ले दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर दूसरा रो ले ले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर दूसरा रो ले ले और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, कर लेते हैं। 1 क्रॉस 2 पहले कर ले, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, सही है। अब देखें, ये पहला रो मैंने पहले कॉलम के साथ कर लिया, अब पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, 1 क्रॉस 3 कर ले, ये अलग लिख ले, 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, सही है, ये हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 1, 4 मल्टीप्लाई 1, सही है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 क्रॉस 2, सही है। बस ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर ले, 2 1s are 2 प्लस 2, सो ऊपर आता है 4, 3 1s are 3 प्लस 2 क्रॉस 2, 3 प्लस 4 7 आता है, सही है, 3 2s are 6, 6 प्लस 4 10 आता है, और 3 3s are 9, 9 प्लस 4 2s are 8, 9 प्लस 8 17 आते हैं, सही है। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है, सही है। अच्छा, अगर इसको उल्टा भी कर ले फिर भी इसका आंसर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, पहला भी 2 क्रॉस 2 करे दूसरा भी 2 क्रॉस 2 के, सही है, 2 क्रॉस 2, ये यहाँ पे एम लिखना था मैंने, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। अगर आप 2 क्रॉस 2 इस वाले मैट्रिक्स को पहले लिख लेते, इसको बाद में लिख लेते, फिर भी ये मल्टीप्लाई हो जाते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 और 2 इक्वल हो जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है आप लोगों के डिटर्मिनेंट का, सही है। अच्छा, ये डिफरेंस रहा है, देख ले, 2, 4, 6, 8, दिस इज अ मैट्रिक्स, से ए, सही है, दिस इज अ मैट्रिक्स, इट इज नॉट द डिटर्मिनेंट, 2, 4, 6, 8, अगर मैं सिर्फ ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लगा लूं, नाउ दिस इज ए डिटर्मिनेंट, सही है ना, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। आप लोगों ने क्वेश्चन में देखना है कि गिवन ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, ये ना हो कि आपको ये गिवन, आप लोगों से डिटर्मिनेंट निकाल के बैठ जाए, अनलेस एंड अंटिल आपको बोला ना गया हो, सही है। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट, मतलब पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट सेकंड एलिमेंट ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, इन शॉर्ट 2, 4, 6, 8 है ना, 3 क्रॉस 3 का डिफरेंट है, वो मैं अलग से समझाऊंगा, ये मल्टीप्लाई ये, सही, ये मल्टीप्लाई ये, सो 2 8s are 16, 16 माइनस 6 4s are 24, 6 4s are 24, सो द आंसर इज -8, इसका डिटरमिनेंट क्या है, -8 आ रहा है, सही है। इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट मालूम कर आप लोगों ने सीख लिया किस तरह निकालते हैं, सही है, तो इसका एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए एक बात याद रखें, मैं सिर्फ 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, सही है, 2, 4, 6, 8। अच्छा, डिटरमिनेंट में अब ये दो अल्फाज याद रखते हैं, दो अल्फाबेट एस एस, स्क्रीन शॉट तो वैसे भी आप लोग अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लेते होंगे, तो इसको याद रख लें, इसमें मतलब है सेकंड, सेकंड और ये है साइन, सही है, सेकंड साइन, इन दोनों का ये जो सेकंड सेकंड पाते हैं, ये 4 सेकंड पाते हैं, तो इसी से ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 4 सेकंड पाते हैं ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो 4 का साइन चेंज कर ले, और 4 के सामने वाला मतलब 6 का साइन चेंज कर ले। आई रिपीट, एस एस याद रख ले, एडजॉइंट में जब एडजॉइंट ले रहे हो तो एस एस याद कर ले, एस एस का मतलब है सेकंड साइन, मतलब जो सेकंड नंबर है 4, इन दिस केस 4 है ना, इसका साइन चेंज कर ले, जब इसका चेंज कर लेंगे तो इसके सामने वाला जो है उसका भी चेंज कर ले, और क्या करें, इन दो को स्वैप कर दे, 2 ओवर 8 का स्वैप कर दे, तो इससे आ जाएगा 8, 2 ओवर 8 को मैंने स्वैप कर दिया, सही है, 2 8, और इससे आ जाएगा -4, इसका मैंने साइन चेंज कर लिया, पहले 4 था भी -4 हो गया, ये -6, और इसका हो गया यहाँ पहले 8 था, अभी यहाँ पे 2 हो जाएगा, साइड्स मैंने प्लेसेस मैंने स्वैप कर दिया, सही है, तो ये एडजॉइंट आ गया, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, सही ये है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -8, सो 1 डिवाइड बाई -8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 8 माइनस 4 माइनस 6, 8 माइनस 4 माइनस 6 और 2, 8 माइनस 4 माइनस 6 और 2, सही है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड ए इनवर्स।
सो ए इनवर्स आपके पास आ गया 1 over -8, 8 -4, -6, 2। आप ये 1/8 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर, सही है। अच्छा अब सिंग इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? अच्छा ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सही है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो ये फॉर्मूला तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा ना। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो फॉर्मूला वोंट बी एप्लीकेबल, सही है ना। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, सपोज मैं मिसाल देता हूँ 1, 2, 2, 4, सही है। अब कोई मुझसे बोले कि इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो। सो 1, 4 are 4, 4 - 2, 2 are 4, 4 - 4, 0। बस तो जैसे ये जीरो आ गया ना, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, सही है, उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चूंकि सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज 1/0 आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने लिख लिया एडजॉइंट, नो मैटर आप जो भी लाए, लेकिन आप यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते। सो दैट इज व्हाई इसका डिटर्मिनेंट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है। अच्छा अब एक दूसरी बात यह कि आप लोगों को अगर मैट्रिसेस इस तरह के बनाओ, सपोज यहाँ पे मैं लिख लू एक्स स्क्वायर और ये 1, ये 2, ये 3, सही है। आपको बोले कि ये बराबर है, ये बराबर है। सपोज यहाँ पे मैं लिख लू 1, 3 और ये हो गया 4 और ये 2, सही है। बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर रखा करे, सही है। एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्या है? 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रख दे, स्क्वायर रूट ले ले, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सही है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो आपके पास आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और ख्याल रखनी है आप लोगों ने, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये एक्स इज इक्वल टू आंसर आपको सीधा दे दे। थोड़ा सा वो हार्ड लेवल में वो थोड़ा सा ये कर लेते हैं स्टूडेंट को तंग करने के लिए कि वो इसमें कंडीशन लगते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपने ये सिर्फ ये वाला करना है। अब देखिए x स्क्वायर 2, 1, 4, सही है, इज इक्वल टू -1, 2, x स्क्वायर और 3। अच्छा अब एक बंदा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये वाला पुट कर ले, वो कहता है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, सही है। लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ये भी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, सही है ना। सो एक्स इज इक्वल टू, ये तो आयोटा आ गया यहाँ पे, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू, दिस इज एन इमेजिनरी वैल्यू। आपसे यहाँ पे बोले एक्स बिलोंग्स टू रियल, दैट मींस कि आप ये नहीं बोल सकते चलो बस इससे एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपके पास एक कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है। दैट इज वाई इसके कोई रियल सोल्यूशन नहीं हो सकते, यू विल हैव टू गो फॉर द ऑप्शन दैट कंटेन्स नो रियल सोल्यूशन, सही है ना। और करस्पॉन्डिंग में इस तरह करते हैं। अच्छा अगर आपको बोले कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैं मिसाल देता हूँ, आपको बोले सपोज 1, 3, x, 27, सही है, 27। आपको मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है, बस मैंने सिर्फ ये बोल दिया ये मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है, तो x की वैल्यू निकाल दें। अच्छा जब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है? उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो 1, 3, x और 27, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अब मल्टीप्लाई कर ले 27 मल्टीप्लाई 1, 27 माइनस 3 इंटू एक्स, और इसका चूंकि डिटर्मिनेंट जीरो, ये सिंगुलर है तो जीरो, 3x को शिफ्ट करें, 3x इज इक्वल टू 27 और x आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू इसका आंसर 9 है। अब जरा 9 पुट कर ले यहाँ पे फॉर सेटिस्फेक्शन, 1, 3, 9 और ये 27, 127 are 27, माइनस 3 9s are 27, so 27 - 27 is equal to 0, it means it is a singular matrix, सही है। बाकी जो इसके main concepts हैं, वो इंशाल्लाह मैं next video में बताऊंगा, क्योंकि ये video already लंबी हो गई। अगर आपके कोई questions वगैरह हो, आपको कोई problem हो, आप लोग मुझे comments में बता सकते हैं, और अगर आप लोग channel पे new हैं, तो please subscribe the channel, और अगर आपके कोई friends हैं, तो उनको recommend कर दें। Thank you so much.